हाँ जी, कितना हो सारे? तो भाई सुबह कयाकिंग के लिए गए थे, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई, गोप्रो कैप्चर नहीं कर पाया वो, तो वो तो वेस्ट हो गया। बाकी जस्ट अभी आए हैं और अभी लंच टाइम हो गया है यहाँ पे। ज़्यादा टाइम नहीं है, 10 बज रहे हैं बस, बट लंच टाइम हो गया है यहाँ पे। और शायद और 1 घंटे में या 2 घंटे में हमें वापस एयरपोर्ट पे छोड़ देंगे। बट ये नज़ारे तो ट्रैक तो किसी ने नहीं करी। शायद कुछ लोग साइकिलिंग के चले गए थे और कुछ लोग कयाकिंग कर रहे थे, तो बस इतना ही था फिलहाल। तो ज़्यादा टाइम लगा नहीं। सुबह हम 9 बजे गए थे और अभी 10 बज रहे हैं, जस्ट अभी वापस आए हैं। मैं अभी वापस आके ट्रांसफ़र ही कर रहा था सारे सारे वीडियोस, तो देखा कि वो वीडियो ही कैप्चर नहीं हुआ था। वैसे वो कुछ 7 या 8 मिनट का वीडियो, अब कुछ नहीं कर सकते उसका, तो अब दोबारा तो जा नहीं सकता भाई करने के लिए। बट स्टिल अच्छा एक्सपीरियंस था। अब बस ऊपर जा रहे हैं, लंच करना है, बिल पे करना है और यहाँ से निकलना है। तो एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि यहाँ स्पेशली क्रूज़ पे बियर बहुत महंगी है। अपने बैग में डाल के ले आना, कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी लोग थे ऊपर भी थे, मैं भी लेके आया था 2 बियर। और ऊपर तो लोग अपना विस्की की बॉटल भी लेके आए हुए थे, मतलब वो रूम से बना के पी रहे थे, क्योंकि यहाँ ऑब्वियसली बहुत महंगी है। तो जहाँ पैसे बच सकते हैं वहाँ बचाओ, और जहाँ खर्चने हैं वहाँ खर्चो, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी अगर आप ये देखो तो इससे बढ़िया चीज़ तो कोई भी नहीं है भाई। रूम से तो निकल गए हैं, चेकआउट का टाइम हो गया है और अब ऊपर लॉबी में जा रहे हैं लंच करने के लिए। और ये कुछ क्रूज़ के नज़ारे हैं, और क्रूज़ के बाहर भी जैसे आप देख पा रहे हो। बस यहाँ बैग रखते हैं, थोड़ा सा कुछ खाते हैं, बिल पे करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। तो अभी फिलहाल तो ये नज़ारे हैं यहाँ के। बाकी लोग अपना बिल पे कर रहे हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे पीछे नहीं दिख रहा होगा। और ये वापस हमें वही बोट लेने आ गई है, जो कि पोर्ट पे छोड़ देगी, और अपने 10 या 15 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और वहाँ से फिर वापस हेलोई जाना है, और शायद हो सकेगा तो आज सापा के लिए निकलना है, या फिर हो सकता है कि ननबिन के लिए निकलना है। तो देखते हैं एक बारी क्या प्लान बनता है। दिया है जहाँ से कल पिक किया था, और यहाँ से अब
पता नहीं डायरेक्ट बस है हनोई के लिए शायद, क्योंकि बड़ी बस तो आई है, तो वही 3 से 4 घंटे लगेंगे हनोई पहुंचने में। बाकी तो अच्छा था एक्सपीरियंस, सेम हॉस्टल है, पर अभी मैंने कुछ बुकिंग तो करी नहीं है, तो देखता हूँ जरा मैं भी कि यहाँ रुकूँ या फिर यहाँ से सीधा रात की बस पकड़ के सापा की तरफ चले जाऊँ या निनबिन की तरफ चले जाऊँ, जैसा भी ठीक लगता है। अभी सोच रहा हूँ उसके बारे में, वैसे भी अभी लाइन है यहाँ पे जिनकी ऑलरेडी बुकिंग है, तो देखते हैं अभी क्या सीन है। ये हमारी बस आ गई है और ये टिकट हमें मिली है इस बस के लिए, अब अंदर चल के देखना एक बार कि ये बस कैसी है। तो मेरे को ये पता चल नहीं पा रहा है एक्चुअली यहाँ से देखने को, और ये एक्चुअली कैबिन बस है, ऊपर भी कैबिन है नीचे भी कैबिन है, और इस तरीके से ये कैबिन है। तो भाई ये इस तरीके से कुछ कैबिन है, नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम। भाई ये इस तरीके से कुछ कैबिन है, अगर आप देख रहे हो ये मेरा वाला है, और यहाँ पे एक टीवी दे रखा है, और एक पानी की बोतल है, एक ब्लैंकेट है, और एक पिल्लो दे रखा है, और विंडो आई गेस उसका कर्टन ऊपर हो जाएगा। बाकी तो बस मैं बैठता हूँ फटाफट और देखते हैं अभी आगे क्या है। भाई बस अभी यहाँ रुकी है और बाकी कुछ पैसेंजर्स को पिक करने के लिए, जैसे कि आप देख रहे हो, आई गेस ये बाकी की पूरी बस भी भर जाएगी और थोड़ी देर के अंदर, क्योंकि ज़्यादा सीट्स तो है नहीं है। जैसे कि मैंने बताया था 1, 2, 3, 4, 5 20 सीट्स हैं यहाँ पे, जिसमें से ऑलरेडी 10 या 12 तो पहले भर चुकी थी। तो भाई ये यहाँ पीछे बस रुकी है बस अभी 2-4-5 मिनट के पैसेंजर्स को पिक करने के लिए, और अभी रात ही हो जाएगी पहुँचते पहुँचते तो, बट अभी कोई ऐसा कोई खास व्यू आया नहीं है जो कि मैं कैप्चर कर सकूँ, तो जैसे कोई बढ़िया सा व्यू आता है और खाली रोड पर पहुँचते हैं तो मैं वीडियो कैप्चर करता हूँ आपसे। बस इन्होंने अभी, और अभी जो टाइम हो रहा है वो 5:20 हो रहे हैं, तो 10 मिनट के लिए रोकी है सिर्फ यहाँ पे वॉशरूम जाने के लिए, कुछ खाना पीने, किसी को कुछ लेना है तो ले सकता है। और ये सामने बस खड़ी है और ये सामने के नज़ारे हैं, तो अभी यहाँ से 3 घंटे और लगेंगे सापा के लिए। अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब क्योंकि सीट्स बहुत कम्फर्टेबल है, मसाजर भी है, सब कुछ है, तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ट्रैवलिंग में। चार्जिंग भी है, लैपटॉप मैंने चार्ज पे लगाया तो बंद तो नहीं हुआ, लेकिन वो चार्ज नहीं ले रहा है क्योंकि वो इतना लोड ले नहीं पा रहा है। बाकी फ़ोन वोन चार्ज करने के लिए सब कुछ सही है। बाकी यहाँ पे आप देखो तो छोटी छोटी शॉप्स बनी हुई है, कुछ भी आप ले सकते हो यहाँ से, तो मैं भी फटाफट कुछ लेने लगा हूँ, और क्योंकि बस सिर्फ 5 मिनट रुकी है यहाँ पे। नहीं किया
हैं वहाँ पे, बस मैं चेक करने ही लगा था क्योंकि मैं ऑनलाइन बुकिंग नहीं करना चाहता। जैसे मैंने आपको बताया था, ऑनलाइन बुकिंग मत करना, यहाँ आके बात कर लेना, आराम से आपको 50% मिल जाएगा। बाकी तो बाहर के नज़ारे बहुत बढ़िया है। नहीं करी, सिर्फ एक बार रुका था 10 मिनट के लिए, क्योंकि बहुत कम टाइम है 6 घंटे की जर्नी के हिसाब से। तो कैब का गया था तो आई गेस उसने भी रोक लिया था 15 मिनट के लिए, तो जबकि वो सिर्फ 2.5 घंटे का ही था, 3 घंटे का था एक्चुअली, पर ये डबल है, पर पता नहीं अब वो मना कर रहा है कि रोकेगा नहीं। बट आई गेस रोकने का पॉइंट क्या है, फ्रेश होना है, वॉशरूम तो ऑलरेडी है इसके अंदर, बस के अंदर। बस ने अभी यहाँ रोका है, 7:30 बज रहे हैं अभी, और अभी भी 1.5 घंटा है लगेगा यहाँ से जाने में। तो ये खाने की जगह है, वो कह रहे हैं यहाँ खाना खा लो, और पता नहीं अब क्या मिलेगा यहाँ खाने के लिए, बस चेक करते हैं। तो भाई ये है फो, और साथ में इन्होंने ये लेमन और ये दिया है, तो यही होता है भाई, ये एक्चुअली में ऐसा ही होता है, लेकिन इन्होंने सब कुछ खुद ही मिक्स करके ला के दे दिया है, पर दूसरी जगह पे हमें खुद मिक्स करना होता है। तो अभी मैं खा के देख, मतलब मज़ा आ गया। वैसे तो सूप बिल्कुल फीका था, बट सूप नूडल वॉट एवर इट इज़, पर ये उसके साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। पसीने आ गए, मज़ा तो बहुत आ रहा है, अच्छा तो लग रहा है, ऐसा नहीं है, ये बहुत स्पाइसी है। बाकी मिलते हैं बस में, खाना तो हो चुका है, पूरा तो ख़त्म नहीं कर पाएंगे हम और 1.5 घंटा लगेगा यहाँ से, तो जल्दी पहुँचते हैं बस, सीधा भाई मिलते हैं। तब तक के लिए किसी को भूख लगी है तो मैगी बना लो भाई, और क्या करोगे तुम, ये तो खाने सकते हैं वहाँ पे, गर्मी बहुत है, तो पर ये ज़्यादा स्पाइसी है। कब जा रहे हो तुम यूट्यूब पे लाइव? यूट्यूब पर तो मैं आ गया, अब मैं देखे नहीं मेरे वीडियो में, कितने 6 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ये बहुत शैतान बच्चा है, ये बहुत शैतान बच्चा है, ये पूरे टाइम बस में मस्ती कर रहा था। तो भाई ये हम पहुँच गए हैं फाइनली सापा, और लगे हैं हमें यहाँ पहुँचने में 9:30 बज रहे हैं, 2:30 बजे, 7 घंटे लग गए भाई यहाँ पहुँचने में। और यहाँ से अब जो हमारा हॉस्टल होम स्टे है, एक्चुअली हॉस्टल नहीं है, तो वो है यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर, 10 मिनट लगेंगे। देख रहे हो यहाँ पे 19 डिग्री है इस टाइम पे, और ये 16-17 डिग्री तक भी जा रहा है आने वाले दिनों में आगे, 16 तक, और रात को भी ये 18 तक ही जाएगा। बट फिर भी पता लग रहा है कि एक गर्म जगह से एक ठंडी जगह पे आए हैं, लोगों ने टोपी पहन रखी है, जैकेट्स पहन रखी है, और यहाँ हम टी शर्ट में और शॉर्ट्स में घूम रहे हैं। तो भाई ये ऐसे ही मिल गई है, और ज़्यादा पैसे नहीं लिए हैं, 25,000 डोंग लिए हैं 2 किलोमीटर के, और बाहर के कुछ नज़ारे ऐसे हैं। यहाँ कुछ है, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो इस साइड पे, तो काफ़ी अच्छा बना रखा है। अच्छा, तो एक चीज़ और भी है, ये सारी लाइटिंग शायद इसलिए भी हो सकती है क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे है वियतनाम का,
तो हो सकता है कि ये ऐसे ही हो या हो सकता है कि ये हमेशा ऐसे ही रहता हो, तो ये मेरे को पता नहीं है, बट ये बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। कैप्चर नहीं हो पाएगा छोटे से वीडियो में, बट अब मैं ज़रूर फटाफट जाऊंगा और वापस यहाँ पे आऊँगा, क्योंकि अब इस टाइम में सोने तो आया नहीं हूँ और अभी सिर्फ 9 ही बजे हैं, तो मेरे हिसाब से मैं 10 बजे तक सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके फ्रेश होके वापस इन स्ट्रीट पे आता हूँ। साइगोनीज होम स्टे और ये हमारा फ्रेंड है, तो भाई ये होम स्टे है और ये ऐसे बेड्स है, तो यहाँ मैंने प्राइवेट रूम नहीं लिया है, मैंने ऐसे डॉर्म बेड ही लिया है, तो आई गेस नीचे जाना है या ऊपर जाना है, तो मैं ऊपर चलता हूँ, रिसेप्शन दिख नहीं रही है एक्चुअली, बट आई गेस ऊपर ही होगी। ऊपर भी डॉर्म बेड्स बने हुए हैं और आई गेस इनकी किचन है, ये एक्चुअली कॉमन किचन है, आप भी यूज़ कर सकते हो इसको, बट यार सीरियसली ये बिल्कुल, ये भी डॉर्म बेड है, ये एक बेड इधर है और एक साइड पे है, कोई ऑलरेडी स्टे कर रहा है वहाँ पे, और इस साइड तो कुछ नहीं है, बट यार मेरे को सीरियसली उम्मीद नहीं थी कि ये इतना ज़्यादा सुंदर होगा सापा। तो ये वाला बेड है नीचे, और एक्चुअली ये ऊपर वाला भी अवेलेबल है, तो मैं ये भी ले सकता हूँ, और एक नीचे वाला ये, तो देखते हैं एक बारी, मैं फटाफट सामान रखता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। ये यहाँ की व्हाट यू कॉल देम ओनर कह लो, तो से हाय टू इंडिया। हेलो हेलो इंडिया। होम स्टे और मेरे से बिल्कुल वेट नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे को नहीं पता, मेरे हिसाब से लेट तक खुला होगा सब कुछ, बट फिर भी मैं तो निकल गया नीचे, सामान रखा अपना, बस थोड़ा सा फ्रेश हुआ और अब बस उसी स्ट्रीट पे जा रहा हूँ। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई मेरे हॉस्टल के अंदर, मेरे को ये दो लोग मिले हैं और ये दोनों बांग्लादेश से हैं, तो हाय हाय बोलो भाई। तो बांग्लादेश तो ये पर अच्छे लोग हैं, ये ऐसे लग तो रहे हैं शक्ल से, तो अभी बस मैं मार्केट में आ गया हूँ और जैसे कि आप भीड़ देख रहे हो, ये मैंने अपने हॉस्टल की जो ओनर थी उनसे पता किया है, ये इंडिपेंडेंस डे के चक्कर में ही है इतना जो ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि इनके लिए आज बहुत बड़ा दिन है ये, और पीछे से अब ये कुछ सन प्लाज़ा बहुत सुंदर लग रहा है जैसे आप देख रहे हो, ये यहाँ पे एक और होटल है और ये सामने का कुछ नज़ारे हैं।
होम स्टे में वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था जो जल्दी जल्दी मैं देख नहीं पाया, कोई पैकेजेस थे कोई ट्रैकिंग को लेके, तो वो भी मैं जाऊँगा और देखूँगा और देखते हैं अगर उसमें कुछ पसंद आएगा तो वो एक कोई ना कोई टूर या कोई पैकेज लेते हैं और वो एक्सप्लोर करते हैं। क्योंकि हो सकता है कि मैं यहाँ पर चाहे दो दिन से ज़्यादा रुकूँ क्योंकि ये इतना सुंदर है। और अब हम उस जगह पर पहुँच गए हैं जैसे कि आप सामने देख रहे हो, जहाँ वो लेक थी। और ये सामने देखो आप, ये कितना सुंदर है, कितना सुंदर बना हुआ है ये, इन्होंने पूरा इतना सुंदर डेकोरेट कर रखा है इस चीज़ को। भाई सब देख के भूख प्यास सब मिट गई, इतना सुंदर है। बहुत 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 अच्छे लोग हैं यहाँ के। ये बिल्कुल वहाँ एंड तक जा रही है पूरी, जो कि पूरी लेन है वो सारे कैफेज जो बने हुए हैं। और यहाँ पे भी एक ओपन एरिया है आई गेस, सामने ही लेक है। और बस एक बार लेक की तरफ चलते हैं, यहाँ पे भी बाहर लोग बैठे हैं, ऊपर भी लोग बैठे हैं, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, अपने इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। पता नहीं क्या पता कल भी ऐसा ही माहौल देखने को मिले यहाँ पे, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड भी हो गया इनका, फ्राइडे सैटरडे संडे। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें पसंद आ रही होंगी जो भी कैमरा कैप्चर कर रहा है। और ये लेक है, ये एक जगह है यहाँ पे बिल्कुल लेक के सेंटर में बनी हुई है और काफ़ी सुंदर है ये जैसे कि आप देख रहे हो। ये बड़ी फेमस गेम है इनकी, जैसे हम बैडमिंटन खेलते हैं तो ये पैरों से बैडमिंटन खेलते हैं अपने। ये शटल कॉक है ये इन्होंने मारी, और ये साथ में वो भाई अपना खोए हुए थे कहीं।